राम रानी कुशवाहा का हाल जोड़ के प्रणाम सबको। मैं आ गई आपके सामने सुंदर कांड का पाठ लेके। पूरा पाठ नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा दो दो दोहे की चौपाइयां आप सबको अर्थ सहित समझा रही हूँ, सुना रही हूँ। अर्थ सुनने से हमें पता चलता है कि हाँ सुंदर कांड में क्या है, क्या लिखा है। तो एक-एक शब्द का अर्थ आप सबको मैं सुना रही हूँ, सुनिए, सुनाइए दूसरों को और आनंद लीजिए। इससे भगवान हमारी पर कृपा करते हैं बहुत। जय सियाराम। हम आ गए थे 22 दोहे पर। 22 दोहे को मैं रिपीट कर देती हूँ जिससे कि हमें ध्यान आ जाए कि हाँ हमने इस जगह छोड़ा था। जय सियाराम। प्रणत पाले रघुनायक करुणा सिंधु गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध बिसार। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। जय श्री राम। चौपाई। राम चरण पंकज उर धरऊ लंका अचल राज तुम करहू ऋषि पुलस्त्य जसु बिमल मयंका तेई शशि महु जनु हो कलंका। तुम श्री राम जी के चरण चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा देखो बिचार त्यागे मद मोहा कतनी ही के बिना बाणी सोवा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी सोवा नहीं पाती है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिनु पाई सजले मूल जिन सर तने नाही बरस गए पुने तबही सुखाही। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख सूख जाती है। एक एक शब्द का अर्थ मैं आप सबको बता रही हूं। सोने दस कंठ कहूं पने रोपी विमुख राम त्राता नहीं कोपी शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकहि न राखे राम करि द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मो मूल बहुशूल त्याग तब अभिमान भजऊ मोह ही
जिसका मूल है ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अति हित बानी भगति विवेक बिरति नय सानी भोला बिहस महाभिमानी मिला हमें कपि गुरु बड़े ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे से अदम सिखावन मोही ओलेता हो कहे हे दुष्ट तेरी मृत्यु निकट आ गई है अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है मेरी नहीं यह तेरा मतिभ्रम बुद्धि का फेर है। मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है यह हो सोने का पे बचनी बहुत किसे आना बिगना है रो मोड़े कर प्राणा सुनते निसाचर मारने धाए सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। ना इसी से करे बिने बहुता नीति विरोध न मारिए दूता आने दंड कछु करिए गोसाई सब ही कथा उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा भाई यह सलाह उत्तम है। सुनते बेहसी बोला दस कंधर अंग भंग कर पठाइया बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज मतलब लौटा दिया जाए। ये मतलब बड़ा खुश हो रहा है अंग भंग करके है ना कोई अंग नहीं रहेंगे तो। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूं समझाई तेल बोरे पटे भांडे पुने पावक देहू लगाई। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आंख लगा दो। फिर तो खेत क्या हुआ था हम सब जानते हैं कि जब पूंछ में आग लगाई तो फिर क्या हुआ। जय सियारा। अब हम आ गए हैं 24 दोहे पर सुंदरकांड के 24 दोहे पर आ गए हैं। आप सुनिए सुनाइए आनंद लीजिए। जय सियारा।